राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी दल जोर आजमाइश में लग चुके हैं। इसी क्रम में भाजपा ने 17 जून को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से रणनीति बनाने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक ने दी। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर श्री पूजन पाठक ने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त आंकड़ा है, हमारी पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। जो एक विधायक दल की बैठक पार्टी ने तय किया है, और स्वाभाविक रूप से जब 19 तारीख को चुनाव है तो एक बार विधायक दल की बैठक होगी और उस पर जो हमारी रणनीति है पार्टी की उस पर चर्चा होगी। इसमें हमारे केंद्र के दो बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, और राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य श्रीमान अरुण सिंह जी, ये दोनों विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ विधायकगण उपस्थित रहेंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और साथ में हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी, सारे लोग उपस्थित रहेंगे। और जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद चर्चा होगी, राज्यसभा की वोटिंग को लेकर के चर्चा होगी। सब क्या कुछ लगता है कि जो आपने ये कोई खेल नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो निर्धारित संख्या है, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो एक आंकड़ा होना चाहिए वो पर्याप्त है। उसके अतिरिक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन की बातें चल रही हैं और लोगों ने डिक्लेयर किया है कि समर्थन हम देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, निश्चिंत है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। और जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, आदरणीय गुरु जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, मैं समझता हूँ उनके लिए भी वो रास्ता कहीं भी जटिल नहीं है। देखिए, इस चुनाव को जो है वो कांग्रेस केवल और केवल इसमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, उन्होंने अब कैसा गठबंधन है कि गुरुजी को भी निर्विरोध रूप से वो नहीं जाने दे दिया उन लोगों ने। तो विचार उन लोगों को करना है कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है उसको कैसे महागठबंधन जीत दर्ज कराएगा, क्योंकि संख्या बल तो उनके पास है नहीं। तो प्रदेश में जो राजनीतिक रूप से इसको एक कहते हैं ना सेंसेशन क्रिएट करना, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस पार्टी का यही तासीर है, यही उसका मतलब कह सकते हैं आप उसके डीएनए में इस प्रकार की चीज़ है। वो कभी भी स्थिरता नहीं चाहती है, सहज रूप से कोई चीज़ हो जाए वो नहीं चाहती है, उसमें अड़ंगा लगाना, पेंच लगाना, ये सब कांग्रेस का चरित्र है। तो कांग्रेस ने अपने चरित्र को दोहराया है।